ओके सो ये कर दिया मैंने अपना लैपटॉप ऑन। सो फोन को मैंने डाल दिया है यहाँ पे चार्ज। ओके सो अभी जो टाइम है वो है 10:48, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए अच्छे से 10:48। सो अभी से लेके 12 घंटा, मतलब अभी सुबह का 10:48, रात का 10:48 तक, मतलब 11 बजे पकड़ लो, 11 बजे तक मैं फ़ोन यूज़ करने वाला नहीं हूँ। सिर्फ दो चीज़ में मैं यूज़ करूँगा, अगर ऑफिस का कोई कॉल आता है या तो गेस्ट का कॉल आता है तभी यूज़ करने वाला हूँ, या तो प्यू को कॉल करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ, अदरवाइज मैं फ़ोन यूज़ करने वाला नहीं हूँ। ये मैं एक चैलेंज लेता हूँ कि 12 घंटा विदाउट फ़ोन मैं कैसे रह सकता हूँ। बाकी मैं लैपटॉप यूज़ करूँगा, लेकिन वो भी नहीं, लैपटॉप में मैं व्हाट्सएप फेसबुक ये सब कुछ यूज़ करने वाला हूँ, लैपटॉप में ओनली अमेज़न प्राइम खोलूँगा, सिर्फ वीडियो देखूँगा और कुछ नहीं। कि मेरे को डिटॉक्स करना है, मैं बहुत बहुत खतरनाक तरीके से सोशल मीडिया में घुस चुका हूँ। सो इससे बाहर निकालने के लिए मैंने एक चैलेंज लिया कि 12 घंटा मैं फ़ोन छूने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए मैं छूने वाला नहीं हूँ, सिर्फ दो चीज़ के लिए, क्योंकि ऑफिस का काम है भाई, उसमें मेरे को छूना पड़ेगा, और प्यू को कॉल करने के लिए मेरे को छूना पड़ेगा बस, और कुछ ही चीज़ में मैं छूने वाला नहीं हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग भाई। सबको जितना लगता है व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अंडमान में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एक करंट जाता है। अभी लोड शेडिंग होने के बाद भाई नेट तो नहीं चलने वाला, वाईफाई तो चलने वाला नहीं है, वो टाइम में मैं अमेजन प्राइम कैसे देखूँ, मैं टाइम कैसे स्पेंड करूँ, वही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ये फ़ोन को मैं चार्ज पे डाल दूंगा, मैं तो चार्ज पे दूसरा किसी पॉइंट पे नहीं डालता, मैं यहाँ पे ही डालता हूँ चार्ज पे, तो मेरा फ़ोन यहाँ पे रहेगा, अगर इनके यहाँ पे रहेगा फ़ोन, अगर इनकेस मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ तो ये फ़ोन का मतलब लोकेशन आपको चेंज रहेगा, और ऐसा नहीं मैं फ़ोन यूज़ करके फिर वहाँ पे रख दूंगा, ऐसा भी नहीं होता है भाई, मैं जैसे ही फ़ोन यूज़ करूँगा आप लोगों को पता चल जाएगा। सो इसीलिए मैं अभी इसको चार्ज पे डालता हूँ, इस पर चार्ज भी नहीं है, जैसे ही चार्ज खत्म हो जाएगा स्विच ऑफ करके फ़ोन वहीं पे ही रख दूंगा, और जब भी मैं फ़ोन यूज़ करूँगा, या तो ऑफिस का कॉल या तो मेरा बीवी का कॉल आता है, मतलब प्यू का कॉल आता है, तभी मैं कैमरा में वो दिखाऊंगा ही, ऐसा नहीं मैं आप लोगों को झूठ बोलूँगा फ़ोन यूज़ करता रहूँगा, ऐसा नहीं। डाल दिया है यहाँ पे चार्ज पे, ये कनेक्ट हो गया फ़ोन, अभी चार्ज शुरू हो गया फ़ोन। सो अभी फ़ोन को मैं अभी ऊपर में रख देता हूँ ऐसे। सो फ़ोन फ्लाइट मोड में नहीं रखा, नॉर्मली मैंने रखा है कि अगर कॉल वगैरह आता है तो मैं एटलीस्ट देख सकूँ किसका कॉल आ रहा है, लेकिन मैं फ़ोन छूने वाला नहीं हूँ, सिर्फ ऑफिस का कॉल से और प्यू का कॉल से ही मैं फ़ोन छूने वाला हूँ, अदरवाइज़ मैं फ़ोन छूने वाला नहीं हूँ। सो ये कर दिया मैंने अपना लैपटॉप ऑन, यहाँ पे लाइट भी जल गया है। सो अभी वेट करते हैं स्क्रीन में, जैसे ही चालू होगा फटाफट 2 मिनट का टाइम, उसके बाद अमेजन प्राइम लॉगिन डायरेक्ट। सो अचानक ये डिसीजन लेने का जो मतलब ख्याल, जो कीड़ा मेरा मन में आया, मैं सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाते, मतलब कुछ अनोखा टाइप का, जो अभी तक ऐसा चैनल में, मतलब मेरा चैनल में अभी तक नहीं हुआ, कुछ चैलेंज टाइप, चैलेंज बोल रहा हूँ, कुछ चैलेंज टाइप का एक वीडियो बनाते जो मतलब ख़तरनाक वाला चैलेंज हो सकता है, मेरे को लगता है ख़तरनाक वाला, क्योंकि 12 घंटा विदाउट फ़ोन रहना मतलब बहुत ही मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल। अगर मैं इसमें सक्सेस हो जाता हूँ तो मैं आप लोगों को भी चैलेंज करने वाला हूँ कि एक बार करके देखो 12 घंटा, मतलब कैसा बीतता है टाइम आपको मालूम पड़ेगा, एक एक टाइम आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे बीत रहा है। तो यहाँ पे मैंने पेज खोल लिया है, अभी यहाँ पे डायल करने वाला हूँ, अमेज़न प्राइम आ गया है, अमेज़न प्राइम, बस ये खुल गया अमेज़न प्राइम, और कुछ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। अभी कोई ना कोई एक मूवी चला दूंगा, मूवी देखता रहूँगा, या तो मैं अपना घर में जैसे किचन का काम या तो थोड़ा बहुत इधर उधर काम करता रहूँगा, लेकिन फ़ोन मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ। जैसे ही मेरा चैलेंज स्टार्ट हुआ उसी टाइम में मैं किचन में घुस गया, क्योंकि किचन में आज मेरे को अच्छा कुछ तगड़ा पकाना होगा। सो मैं सोचा जब मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो अच्छा खासा किचन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, अभी तो फ़िलहाल चल जाएगा क्योंकि करंट है सब कुछ है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, किचन में भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन जब लोड शेडिंग हो जाएगा तभी मैं क्या करूँगा। और अंडमान में ये चैलेंज लेना मतलब कि 12 घंटा फ़ोन यूज़ नहीं करने का चैलेंज अगर लेते हो तो घर में एटलीस्ट इन्वर्टर होना चाहिए,
और मेरा इन्वर्टर नहीं है, तो इस केस में चैलेंज और भी तगड़ा होने वाला है जब लोड शेडिंग होगा, तभी देखा जाएगा कि कैसा बीतता है वो टाइम। और लोड शेडिंग होना मतलब या तो 2 घंटा या तो 1 घंटा, 1 घंटा तो मिनिमम पकड़ लो। कि अभी ऑलमोस्ट पक चुका है, चिकन के लिए मैंने सब कुछ यहाँ पे काट लिया है ऑलमोस्ट, सो अभी इसको ग्राइंड करना ज़रूरी है। तो अभी मैं उतारता हूँ ग्राइंड को, एक हाथ से नहीं होने वाला, तो कैमरा को रखता हूँ साइड पे और ग्राइंड को उतारता हूँ, और ये मिक्सी को उतारता हूँ, मतलब ये चॉपिंग वाला जो कटोरा होता है उसको उतारने वाला। चलो मेरे लिए तो एक्सेप्शनल, मैं किचन का काम मेरे को थोड़ा बहुत आता है, मैं किचन में टाइम स्पेंड कर लूँ, जिसको वो भी नहीं आता वो कैसे टाइम स्पेंड करेगा, कितना देर तुम बैठ के मूवी दे सकते हो। फिलहाल ग्राइंड का म्यूजिक थोड़ा एंजॉय करो। सो एक चीज़ में मेरा अभी आग गया, जैसे ही मैं थोड़ा बहुत काम करने लगा, घर में थोड़ा सा टाइम देने लगा, वैसे टाइम ही मेरा आग गया कि ये मिक्सर मशीन में कितना दिन से यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल होने को है। सो इसमें इतना मैल जम गया था, सो मैं सोचा चलो इसको क्लीन कर देते। सो ऑलमोस्ट बॉडी मैंने क्लीन कर दिया, अभी ये अंदर को मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। मैं ये दिखाना नहीं चाहता आप लोगों को एक्चुअली, इसलिए क्योंकि आप लोग जब व्लॉग देखोगे या तो खाने के टाइम, या तो ब्रेकफास्ट के टाइम मतलब दोपहर का, या तो रात का खाने के टाइम, या तो ब्रेकफास्ट के टाइम आप लोग व्लॉग देखोगे, सो वो टाइम में एक गंदगी मतलब एक खराब इंप्रेशन पड़ेगा। सो इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं साफ करके दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल देख लो कैसा मतलब अभी ये, और ये अंदर वाला देख लो कैसा लग रहा है। सो इसको मैं साफ करके दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है साफ करने के बाद। सो मेरा एंड से जितना हो सकता था मैंने तो इसको साफ कर दिया, अभी तो पूरा चमक रहा है। और फिलहाल अभी इसको उठा के जहाँ पे रखना होता है यहाँ पे, ये जगह मैं फिलहाल इसको रख दूँगा। पक्के रेडी हो गया, उसको मैं जो पानी निकलता है चावल से, एक्चुअली वो चावल तो मैंने ड्रेन कर दिया, वो चावल बोल रहा हूँ, पानी को एक्चुअली ड्रेन कर दिया है। और अभी तो जो चावल वगैरह है वो सूख रहा है, मतलब उसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं मार गालना। सो एक्चुअली वो सब कुछ काम मेरा ख़त्म हो गया है। अभी जो हम लोग वेट करने वाले हैं वो है फ्रिज के लिए। एक्चुअली जो जगह में मतलब डीप में मैंने रखा था, डीप फ्रीज़र में मैंने रखा था चिकन को, सो पूरा बर्फ पकड़ लिया है। सो अभी सुबह से मैंने ऑफ़ कर दिया है फ्रिज को भी, सो ये फ्रिज ऑफ होके पड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे पानी पानी हो गया है पूरा। एक्चुअली वो बर्फ गल रहा है, सो बर्फ गल के जैसे ही वो ये हो जाएगा तो चिकन को निकाल के हम लोग बना देंगे। सो ऑलमोस्ट चिकन का प्रिपरेशन के लिए जो जो चीज़ चाहिए हम लोगों को, मसाला भूनना वगैरह सब कुछ हो गया है कम्प्लीट। जैसे ही चिकन निकला गया उसको हम लोग पकाएंगे, और हम लोग अभी बैठ के अपना नेटफ्लिक्स बोल रहा हूँ, अमेजन प्राइम हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। नेटफ्लिक्स का फिलहाल मैंने सब्सक्रिप्शन हटा दिया है, इसीलिए क्योंकि अभी अमेजन प्राइम में अच्छा खासा मूवी दिख रहा है, और वो भी मेरा फ्री सब्सक्रिप्शन है। जैसे कि मैंने एक्सट्रीम फाइबर मैंने लगाया था तो मेरे को 1 साल का फ्री मेंबरशिप मिला अमेजन प्राइम में, सो मैं इसलिए नेटफ्लिक्स का हटा दिया। वैसे भी मेरे को पे करके वो दिखना होता है नेटफ्लिक्स, और यहाँ पे मेरे को फ्री मिल रहा है, तो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ अमेजन प्राइम में। नेटफ्लिक्स से ज़्यादा बॉलीवुड का मूवी है, सो इसलिए अमेजन प्राइम में एंजॉय करता हूँ। सो एट लास्ट फ्रिज से कितना सारा पानी निकालने के बाद जाके थोड़ा सा बर्फ हल्का हुआ तो ये चिकन निकला। सो इसको अभी पानी देके रखा क्योंकि अंदर भी ये जम गया था, तो इसको थोड़ा सा खुलने के लिए टाइम लगेगा, पानी देके रख दिया। तब तक मैं आलू को फ्राई कर लेता हूँ और मसाला भी अच्छे से भून लेता हूँ इसमें। मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी टाइम जो हो रहा है कुछ 11:48 या तो 12 बज रहा होगा। सो अभी टाइम हो रहा है 11:58 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 11:58। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोगों ने क्रॉस कर चुका है विदाउट फोन यूज़ करके। अभी हम लोगों को और 11 घंटा, 12 घंटा में सिर्फ 1 घंटा क्रॉस कर चुके हैं, अभी भी 11 घंटा हम लोगों को क्रॉस करना है। सो पता चलेगा धीरे धीरे करके। सो चिकन तो मैंने बिठा दिया प्रेशर कुकर में, अभी चिकन यहाँ पे पकेगा। जब तक चिकन यहाँ पे पक रहा है तब तक मैं अपना यहाँ पे फेस मिक्सचर मैंने बना लिया, जो अपना फेस पे मैं लगाने वाला हूँ। एक छोटा सा नुस्खा जो मैं कुछ दिन पहले ही मैंने बोला है, मेरा पिछला वाला व्लॉग में ही मैंने बोला है कि एक्चुअली फेस का ग्लो बढ़ता है और शाइन होता रहता है, उसके साथ साथ क्लियर भी होता रहता है। अगर कुछ टैन पड़ा है, ये पड़ा है, तो ये सब कुछ क्लीन होता रहता है। सो ये मैं 1 हफ्ता इसको यूज़ करने के लिए बोला गया है मेरे को। सो 1 हफ्ता मैं यूज़ करूँगा, अगर कुछ डिफरेंस मेरे को नज़र में आता है
सो मैं आप लोगों के साथ ऑब्वियसली ये नुस्खा शेयर करने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं यूज़ करके देखूंगा, अगर मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हाँ काम होता है, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ ये वाला नुस्खा शेयर करने वाला हूँ। सो अभी मैं जस्ट नहा के मैं निकला, ऑलमोस्ट सब कुछ दोपहर का खाना वगैरह सब कुछ हो गया है कम्प्लीट, सिर्फ पूजा देना बाकी है और पीयू को लेने जाना बाकी है। सो अभी टाइम जो हो रहा है ऑलमोस्ट, यहाँ पे ए उल्टा पकड़ा मैंने, हाँ अभी टाइम जो ऑलमोस्ट हो रहा है वो है 1:10 कुछ बज रहा है, 1:10। सो मतलब 2 घंटा हम लोगों ने विदाउट फ़ोन बिता लिया है, 2 घंटा, अभी 10 घंटा हम लोगों को बिताना है। सो मतलब आज इलेक्ट्रिक भी सपोर्ट दे रहा है कि अभी तक लोड शेडिंग नहीं हुआ, सो मतलब चल रहा है, 2 घंटा तो बीत गया कैसे भी, मैं नेटफ्लिक्स देख के, खाना पका के, घर का थोड़ा बहुत काम करके मैंने टाइम स्पेंड कर दिया, लेकिन जब लोड शेडिंग होगा तभी का मैं हालत सोच रहा हूँ कि वो टाइम में क्या होगा। अभी तो फिलहाल चलो मेरा लैपटॉप से अपना अमेजन सीरीज देख के, मूवी देख के मैं काम कर रहा हूँ, एटलीस्ट चल रहा है, टाइम मेरा स्पेंड हो रहा है, लेकिन जब मैं लोड शेडिंग हो जाएगा क्या करूँगा। तो मेरा घर का पूजा देना भी हो गया है कम्प्लीट, अभी जो बारी है मेरा फ़ोन को यूज़ करना थोड़ा सा, क्योंकि पीयू को कॉल करना है। सो अभी मैं फ़ोन को उतारता हूँ, जस्ट आप लोगों के सामने फ़ोन को उतार लिया, अब इसका लॉक ओपन कर लेता हूँ और डायरेक्ट पीयू को कॉल, कोई वेट नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉल लगा दिया, रिंग हो रहा है। हेलो, हेलो, होएगा जे जाबो, हाँ सीरा, हाँ सीरा। सो जैसे कि पीयू बोल दिया कि अभी आने के लिए, मतलब उसको पिकअप करने के लिए, सो अभी मैं जा रहा हूँ उसको पिकअप करने के लिए, इतना ही मैं फ़ोन यूज़ किया, उससे ज़्यादा नहीं अभी। सो जब तक मैं पीयू को पिकअप करने के लिए जाता हूँ, इसका 2 दाग का सिंबल दिखा रहा है, मतलब चार्ज थोड़ा सा कम हो गया है। सो इसका बैटरी को भी मैं चार्ज पर बिठा के जाता हूँ पीयू को पिकअप करने के लिए। अभी सीन क्या हुआ बोलने से, मैं जब दिखाया आप लोगों को कि फ़ोन लेके मैं जा रहा हूँ पीयू को रिसीव करने के लिए, वो टाइम में पीयू को मैं रिसीव किया, रिसीव करके आने के टाइम मैं पूरा भीग गया और मेरा कपड़ा पूरा भीग गया, ये बेसिकली सूखा था, ये भीगा नहीं था, मेरा पैंट वगैरह पूरा भीग गया था। तो उसको खोल के रख दिया, दूसरा पैंट मैंने पहन लिया, उसके बाद मैं लंच करने के लिए भी बैठ गया, क्योंकि पीयू के पास बहुत ही कम टाइम था, उसका थोड़ा आज काम का प्रेशर ज़्यादा है, सो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लिया, इसको भी कनेक्ट नहीं किया, ये भी बैटरी चार्ज हो रहा था, उसी बीच खाना कंप्लीट किया, उसको छोड़ के आ गया और अभी फ़ोन को फिर से मैंने रख दिया। सो अभी टाइम जो हो रहा है 2:54, मतलब हिसाब से देखा जाए 10 बजे से लेके अभी 2 बजे, मतलब 10, 11, 12, 1, 2, मतलब 4 घंटा हो चुका है मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। सो और 8 घंटा, और 8 घंटा बचा है फ़ोन को हाथ नहीं लगा के ऐसे रहना है, जो मस्त तब से लेके मतलब 3:30 बजे से लेके अभी तक कंटिन्यू सिर्फ अमेजन प्राइम में मूवी देखे जा रहा हूँ, कंटिन्यू कॉमेडी मूवी बोलो ये बोलो, मतलब थोड़ा बहुत काट काट के मूवी देख रहा हूँ, नहीं तो वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, ऐसा करके टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फ़ोन में हाथ तक नहीं लगाया, जैसा का वैसा ही पड़ा है फ़ोन वहाँ पे, मतलब अभी जाके थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है मेरे को, मालूम पड़ रहा है अभी, मतलब हाथ ना ऐसे खुजा रहा है कि एक बार फ़ोन यूज़ कर लूँ, थोड़ा सा यूज़ कर लूँ, कैमरा तो बंद है, लेकिन मैंने जब प्रॉमिस कर दिया आप लोगों को फ़ोन छूने वाला नहीं हूँ, तो छूने वाला नहीं हूँ फ़ोन। अभी ऑलमोस्ट टाइम जो हो रहा है अभी कितना बज रहा है एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, अभी 6:30 बोल रहा हूँ, 4:30 हो रहा है, 4:30 मतलब 10 बजे से लेके 4 बजे तक, मतलब 11, 12, 1, 2, 3, 4, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है 6 घंटा, और 6 घंटा बचा है उसके बाद मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, अभी हो रहा है। इसके बाद और एक चैलेंज करने वाला हूँ नेक्स्ट डे, मतलब कल और एक चैलेंज करने वाला हूँ, आज जैसे फ़ोन नहीं छुआ कल और एक चैलेंज करने वाला हूँ, वो भी दिख ऑलमोस्ट 2 मूवी देख के टाइम पूरा स्पेंड हो गया, मतलब कम से कम अभी बज रहा है 6, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लो 7 घंटा मैंने बिता दिया ऑलमोस्ट। अभी गला थोड़ा सा डाउन डाउन लग रहा है, कैसे पता नहीं आ रहा, मतलब अचानक मेरे को थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा फील हो रहा है, सो के वजह से हुआ कि दूसरा कुछ वो पता नहीं, लेकिन ठीक है चलो जो भी है उतना भी ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन जो असली बात है 7 घंटा विदाउट फ़ोन मैं टाइम स्पेंड कर लिया,
मानना पड़ेगा। सो अभी मैं निकलूंगा, बेसिकली प्यू को लाने जाना है, और मैंने वो थोड़ा सा वो आटा के लिए गेहूँ दिया था, गेहूँ खरीदे थे हम लोग, वो पीसने के लिए दिए थे, आटा लेने के जाएंगे अभी, वो पीस के आटा बन गया ऑलरेडी, वो लेने के लिए जाएंगे चक्की में। तो वहाँ से एक ही बारी में प्यू को पिकअप करके मैं घर आ जाऊँगा। सो अभी कैमरा में रख के जाता हूँ, और बाहर में फ़िलहाल मैं सोच रहा था आईफोन लेके जाऊँ, लेकिन आईफोन लेके जाना भी मतलब मैं फ़ोन यूज़ करूँगा। सो मैं फ़ोन से पूरा अवॉइड करता हूँ, कुछ भी वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा अवॉइड करूँगा आज का डेट में। सो इसलिए मैं कैमरा घर पे रख के जाता हूँ, नॉर्मल ये वाला फ़ोन को मैं कैरी करता हूँ, सिर्फ इसको लेके जाऊँगा प्यू को कॉल करने के लिए, और कुछ भी नहीं। अभी जस्ट घर आया, सुबह के टाइम भी मैंने देखा प्यू को जब छोड़ने के लिए गया ऑफिस, वो टाइम भी बारिश, और अभी भी उसको पिकअप करने जब गया तभी भी बारिश, पूरा भीग गया, इसमें आटा लेके आया ये भीग गया। थैंक गॉड मेरा डिगी खाली था, क्योंकि एक्चुअली रेनकोट वगैरह मैं बाहर में सूखने के लिए लेके गया था, तो उसके में बादाम वगैरह मैं कुछ खरीद के लेके आया था, वो सब सूखा सूखा रह गया है, नहीं तो ये भी भीग जाता और ख़राब हो जाता। सो अभी इसको डाल देते हैं। अभी ये भीग गया है कि अंदर तक पानी गया है कि वो पता नहीं, एक्चुअली इसके अंदर मैंने प्लास्टिक डाल दिया था, तो जितना भी पानी रहेगा प्लास्टिक में रहेगा, आटे में तो एक बूंद तक पानी जाने वाला नहीं है। लेकिन सो जैसा कि मैंने सोचा था कि आटा पूरा सूखा रहेगा, वैसा ही है, पूरा प्लास्टिक से कोट था करके पूरा आटा सूखा हुआ है। मतलब मैं सोचा था कि जितना जोर का बारिश मेरे को रास्ते में मिला, मैं पूरा सोच लिया ख़राब हो गया, क्योंकि एक्चुअली ये जो बैग जो है ये पूरा भीग भी गया है। लेकिन फ़िलहाल मतलब दिमाग कल लगाया था कि एक प्लास्टिक डाल दिया था। एक्चुअली कोलकाता में जब भी मैं ये आटा वगैरह लाने जाता हूँ, ये सेम चीज़ करके मैं लेके आता हूँ, एक प्लास्टिक डाल के उसमें लेके आता हूँ। तो इसमें भी आज भी मैंने वैसा ही किया, एक प्लास्टिक डाल के उसमें आटा लेके आया। सो ये वाला मेरा सेफ्टी हो गया। एक्चुअली जब भी आप बाहर से आओ तब भी आपको वेट टिश्यू से फेस वॉश करना ज़रूरी होता है, मैं दो बार करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मतलब पिछला दिन मतलब एक दिन पहले मैंने नहीं किया था ये वाला, और उससे पहले मैंने किया था, एक दिन पहले मैंने नहीं किया था, तो उसका हालत कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, इतना गंदा हो गया है पूरा, मतलब इतना टैन निकल रहा है, टैन मतलब क्या, इतना मैल निकल रहा है ना बाप, खतरनाक खतरनाक मैल निकल रहा है। मेरे को एक्चुअली दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कुछ छुपाता नहीं करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितना गंदा हो गया है पूरा। ऐसा करता हूँ, और इसका नाश्ता क्या हो रहा है देखिए, मतलब लोग क्या खाते हैं नाश्ते में, या तो मैगी, या तो चाउमीन, या तो अगर हेल्दी भी खाएगा तो ओट्स बादाम ये सब कुछ खाएगा। इसका देखो नाश्ते में क्या चल रहा है, बाहर से आज एक नया ब्रांड मिला, बेसिकली यहाँ पे तो पुराना ब्रांड यहाँ पे मिलता ही है पपाया करके, हम लोग का कोलकाता में ये ब्रांड नहीं मिलता, हम लोग का कोलकाता में जो मिलता है अमूल, बास्किन रॉबिन्स ये सब कुछ मिलता है, ये वाला यहाँ का मैंने देखा है लोकल। सो ये वाला मैंने लिया, और आते साथ ही ये शुरू हो, ऐसे ही मैंने बोला देखो अभी छुपा के, अभी छुपा के फ्रिज के अंदर रख रहा है, देखो जैसे ही मैंने बोला छुपा दिया, अभी फ्रिज के अंदर भी है, ऐसा नहीं है, फ्रिज के अंदर भी एक डब्बा है अमूल का, वो भी ख़त्म नहीं किया, वो बटर स्कॉच का है ऑलरेडी, वो वाला भी ख़त्म नहीं हुआ, वो वाला भी थोड़ी है, थोड़ा सा है, और ये भी अभी जमा करेगा, लास्ट में खाना मेरे को ही पड़ेगा, अल्टीमेट उसको शेक बना के या तो कुछ बना के उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज में तो उतना ताकत नहीं होता, जैसे मतलब दुकान वगैरह में जो फ्रीज़र रहता है वो पूरा एकदम जमा देता है, पूरा टाइट कर देता है, और ये सब फ्रीज़र में मतलब घर का फ्रीज़र में उतना ताकत नहीं होता कि वो आइसक्रीम को जमा के पूरा सॉलिड कर देगा। सो मतलब अल्टीमेट मेरे को ही खाना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट अभी 8:17 हो चुका है, मतलब 10:48 से शुरू किया मैं, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब ऑलमोस्ट 9 घंटा हो चुका है, 9 घंटा, और बचा है सिर्फ 3 घंटा, 3 घंटे के बाद मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, मतलब 9 घंटा मैंने जो फ़ोन यूज़ नहीं किया ना, मतलब एक बारी भी हाथ नहीं लगाया, सिर्फ प्यू को कॉल करने के लिए, और दुकान में एक पेमेंट करना था ऑनलाइन, उसी लिए मैं फ़ोन यूज़ किया, बाकी पूरा नोटिफिकेशन पड़ा है, मिस कॉल पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। 10:48 होगा उसके बाद ही मैं आपको फ़ोन दिखाऊँगा, और पूरा दिन जो फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, जितना डिटॉक्स हो रहा है ना, इसका फ़ायदा मेरे को मतलब धीरे धीरे पता चल रहा है, मतलब आज थोड़ा माइंड फ्रेश भी लग रहा है, थोड़ा सा मतलब क्या एक अलग एनर्जी मतलब मिल रहा है मेरे को, लेकिन ये फ़ोन में अगर घुसा रहता तो ये आधा टाइम चला जाता, और माइंड भी थोड़ा सा क्रिएटिव बन रहा है एक्चुअली। सो मेरा हालत देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं ऑलरेडी रोटी बना चुका हूँ, जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी कैसर ऑयल में रोटी बना के डाल दिया है प्यू ने,
और अभी मैं चिकन गरम कर रहा हूँ, जो कि मैं सुबह के टाइम बनाया था। सुबह हम लोग चावल के साथ थोड़ा सा चिकन कंज्यूम किया, अभी थोड़ा सा हम लोग खाएंगे और बाकी रख देंगे कल के लिए। और आटा भी बहुत ही अच्छे से मैंने भुना है, एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने रख दिया, जो कि अभी फ्रिज के अंदर जाने वाला है। और इसमें भी थोड़ा सा हम लोग अभी खाने वाले हैं और बाकी का अंदर जाने वाला है। डिनर के लिए बैठने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग ख़त्म करके डिनर के लिए बैठूँ या डिनर के लिए बैठ जाऊँ बाद में उठ के ब्लॉग ख़त्म करूँ। एक्चुअली 10:48 है ना, सो उसी हिसाब से पहले डिनर ख़त्म कर लेता हूँ, नहीं तो 10:40 मतलब 11 बजे तक ब्लॉग ख़त्म होगा। सो 11 बजे ब्लॉग ख़त्म करके फिर खाने के लिए बैठना मतलब बहुत लेट हो जाएगा, उतना लेट नहीं चाहते, पहले खा लेते हैं उसके बाद ब्लॉग को ख़त्म कर देते एडिट। अभी मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, पीयू यूज़ करेगा, वही फ़ोन लेके आया क्योंकि उसको बिग बॉस देखना है करके, मेरा अकाउंट मत लेना कि मैं देखा है करके, मैं थोड़ा भी फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। और एक घंटा बचा है, एक घंटा के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, एक घंटे बाद ही मैं फ़ोन को हाथ लगाऊंगा, उससे पहले नहीं। अभी लोग ये दिन भर बैठ के ये जो बिग बॉस देखते हैं, कैसे देखते हैं मेरे को पता नहीं, अभी मेरे सामने बैठ के एक जन देख रहा है बिग बॉस, कैसे देखता है कैसे झेलता है मेरे को पता नहीं, आँख से ही देखता है। मैं सिर्फ एक ही चीज़, मैंने आँख से ही तो देखना होता है, मैं एक चीज़ जाना कि ये घर के अंदर 5-6 लोग रहेगा, 5-6 लोग बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा लोग रहेगा और पूरा बकचोदी करता रहेगा और कुछ नहीं, मतलब और कुछ भी नहीं, मतलब कुछ समझदार कुछ इन्फ्लुएंस होने वाला ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ भी नहीं, पूरा एकदम मतलब मेरा दिमाग से बाहर है। सो फाइनली 11 बज चुका है और ऑलमोस्ट 12 घंटे का जो चैलेंज था मेरा फ़ोन पकड़ने का, मतलब नहीं पकड़ने का, वो मैंने कंप्लीट कर चुका है। अभी मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ और मतलब अभी यूज़ कर सकता हूँ फ़ोन को अच्छे से, मतलब इतना देर तक 12 घंटा मैंने फ़ोन को यूज़ नहीं किया, बाप रे बाप, पूरा नोटिफिकेशन वगैरह पूरा जम गया है, अभी सब कुछ चेक करना पड़ेगा, सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा, मतलब पूरा ख़तरनाक हालत है। सो ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा बन गया है और इसको एडिट भी करना पड़ेगा, अभी पता नहीं कैसा बना है, फर्स्ट टाइम चैलेंज वाला वीडियो बना है। सो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले कुछ अच्छा खासा चैलेंज वाला ब्लॉग में।